हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस सोन। जय श्री राधे कृष्णा। जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और मंदिरों को बहुत सुंदर सजाया गया। हमारे यहाँ पर भी जो नई मूर्तियाँ हैं वो स्थापित की गई हैं मंदिर में। चलिए फिर मैं आपको उनके दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए मंदिर को बाहर से कितना सुंदर सजाया गया है। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं तो मैं आपको दर्शन करवाती हूँ मूर्तियों के। ऐसे लगता है जैसे मूर्तियाँ बोलती हैं और आप उनके दर्शन करें। अपनी जो इच्छा है वो आप उनसे बोल रहे हैं और वो मुस्कुराकर कह रही हो कि हम आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे हैं। हमारे यहाँ बालाजी का मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही है। मंदिर को बहुत सुंदर सजाया गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। ये देखिए शेरोवाली माता जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। ये विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता जी की मूर्ति मानो आपकी ही तरफ बस देख रही हूँ। ये श्री कृष्ण जी की और राधा जी की मूर्ति है झिलमिलाती हुई और इनका जो द्वार है वो गुब्बारों से सजाया गया है। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है। साथ में शंकर भगवान जी और हनुमान जी भी विराजमान हैं। ये राम दरबार बहुत ही सुंदर मूर्तियां श्री राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की। ये ज्ञान की देवी सरस्वती माता जी की मूर्ति मुस्कुराती हुई, ऐसे लगता है जो आपसे बात कर रही हैं और आपको अपना आशीर्वाद भी दे रही हैं। इस मंदिर में सारी मूर्तियां नई स्थापित की गई हैं और सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा जन्माष्टमी ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।